आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे टेलर सीरीज़ के बारे में। तो बेसिकली जो टेलर सीरीज़ है वो भी एफ जेड फाइंड करने के लिए ही है। तो इसमें क्या है कि टेलर सीरीज़ के अंदर कि अगर एफ जेड जो हमारा एनालिटिक है किसी पॉइंट जेड जेड नॉट पे, तो उसको एक सीरीज़ के फॉर्म में हम लिखते हैं एफ जेड को, वो सीरीज़ जो क्या कहलाती है, हमारी टेलर सीरीज़ कहलाती है। ओके, तो यहाँ पे पहले लिख लेंगे इफ़ एफ जेड इज़ एनालिटिक, एफ जेड इज़ एनालिटिक, एफ जेड इज एनालिटिक एट अ पॉइंट जेड नॉट, देन एफ जेड कैन बी एक्सप्रेस्ड एज कैन बी एक्सप्रेस्ड एज टेलर सीरीज ये है एफ जेड इक्वल टू एफ जेड नॉट, जिस पॉइंट पे हमें करना है एफ जेड नॉट प्लस जेड माइनस जेड नॉट एफ डैश जेड नॉट प्लस जेड माइनस जेड नॉट स्क्वायर बाई फैक्टोरियल टू एफ डबल डैश जेड नॉट प्लस एंड सो ऑन, इसी तरीके से क्यूब बाई फैक्टोरियल थ्री एफ ट्रिपल डैश जेड नॉट, इसी तरीके से इस सीरीज़ को हम ऐसे आगे बढ़ाते जाएंगे। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन से देखते हैं कि किस तरीके से इस टेलर सीरीज़ को हम यूज़ करते हैं, तो हम क्वेश्चन के थ्रू देखेंगे इसको। तो ये क्वेश्चन है द टेलर सीरीज़, द टेलर सीरीज एक्सपेंशन ऑफ एफ जेड, एफ जेड इक्वल टू साइन जेड। ओके, एफ जेड इक्वल टू साइन जेड दे रखा है जेड इक्वल टू पाई बाई फोर पे। ओके, जेड नॉट बोला था पॉइंट पे, तो ये जेड नॉट पॉइंट यही है जेड इक्वल टू जो भी दिया होगा पाई बाई फोर, पाई बाई सिक्स, पाई बाई टू, कुछ भी, और ये एफ जेड हमारा ये फंक्शन दिया हुआ है। ओके, तो इसको अब हमें क्या करना है, टेलर सीरीज में एक्सपेंड करना है एफ जेड इक्वल टू साइन जेड एट जेड इक्वल टू पाई बाई फोर पे। ओके, तो सबसे पहला क्या होगा कि एफ जेड जो दे रखा है उसको लिखेंगे एफ जेड इक्वल टू है साइन जेड। ओके, एफ जेड है, अब यहाँ पे एफ जेड है, एफ डैश जेड है, एफ डबल डैश जेड है, इसी तरीके से जितना भी आगे सीरीज। ओके, हम तीन मैक्सिमम फाइंड करके छोड़ देंगे क्योंकि एक सीरीज़ पता चल जाएगी हमें कि किस तरीके से ऑप्शन में दे रखी है सीरीज़। ओके, तीन तक करके मैक्सिमम छोड़ देंगे। अब क्या है कि यहाँ से हमें एफ जेड एफ डैश जेड निकालना है, फिर एफ डबल डैश जेड इसी तरीके से निकालना है, फिर उसके बाद क्या करना है पॉइंट्स जो दे रखा है वहाँ पे पुट कर देंगे। एफ डैश जेड निकालना है, साइन का क्या होता है डिफरेंशिएशन कॉस जेड। ओके, उसके बाद एफ डबल डैश जेड निकालना है। ओके, कॉस का क्या होगा माइनस साइन जेड, एफ जेड था इसका डिफरेंशिएशन किया कॉस जेड आया, फिर डबल डैश निकालना है तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये डबल डैश आया, फिर इसका एक बार और डिफरेंशिएशन करेंगे एफ ट्रिपल डैश जेड आएगा। ओके, तो ये क्या आएगा हमारा माइनस साइन का क्या होता है कॉस ऑफ जेड, ये हमारा क्या आ गया ट्रिपल जेड, ये हमारा आ गया। अब हम क्या करेंगे, ये जो पॉइंट्स दे रखे हैं हमारे पास जेड इक्वल टू पाई बाई फोर, तो जेड इक्वल टू पाई बाई फोर हम यहाँ पुट करेंगे, तो पाई बाई फोर यहाँ, पाई बाई फोर यहाँ पे, सब जगह जेड की जगह पाई बाई फोर पुट करेंगे, तो एफ जेड मतलब जेड की जगह पाई बाई फोर पुट करेंगे एफ पाई बाई फोर, एफ पाई बाई फोर पुट करेंगे तो साइन पाई बाई फोर, साइन पाई बाई फोर मतलब 45, साइन 45 कितना होता है 1 बाई रूट टू,
एफ डैश जेड निकालेंगे इसी तरीके से, एफ डैश जेड निकालेंगे कॉस पाई बाई फोर, सॉरी यहाँ पे पाई बाई फोर लिखेंगे, एफ डैश पाई बाई फोर। तो कॉस पाई बाई फोर कितना होता है, वन बाई रूट टू। ओके, उसके बाद एफ डबल डैश पाई बाई फोर निकालेंगे माइनस वन बाई रूट टू। ओके, साइन 45 वन बाई रूट टू। फिर एफ ट्रिपल डैश पाई बाई फोर, जो पॉइंट दिया होगा जितने बार हमने जो भी डिफरेंशिएशन फंक्शन लिखा होगा, फंक्शन में जेड की जगह पाई बाई फोर हमें वो पॉइंट्स पुट कर दे जाने हैं। ओके, तो यहाँ पे पुट करेंगे माइनस वन बाई रूट टू। हमारे पास एफ जेड है, एफ डैश जेड है, एफ डबल डैश, एफ ट्रिपल डैश जेड है। ओके, अब हम क्या लिखेंगे, एफ जेड की सीरीज लिखेंगे, एफ जेड इक्वल टू एफ जेड नॉट जेड माइनस जेड नॉट एफ डैश जेड नॉट, इस तरीके से लिखेंगे। तो एफ जेड की वैल्यू कितनी है, साइन जेड है, एफ जेड की वैल्यू साइन जेड है। एफ जेड नॉट, जेड नॉट का मतलब जो पॉइंट दे रखा है, जो पॉइंट हमने यहाँ पे गिवन है, उसको जो पुट करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो हमारी क्या कहलाएगी, जेड नॉट। तो यहाँ पे जब हमने ये वैल्यू पुट की पॉइंट वाली, ये पॉइंट पुट किया, तो ये जो आया ये हमारा एफ जेड नॉट कहलाएगा। ओके, तो एफ जेड नॉट कितना है, वन बाई रूट टू। ओके, प्लस उसके बाद एफ डैश जेड वाले को लिखना है, एफ डैश जेड वाले की वैल्यू वन बाई रूट टू है, जेड माइनस जेड नॉट लिखना है, जेड माइनस जेड नॉट कितना है, पाई बाई फोर है, जेड नॉट है पाई बाई फोर। उसके बाद एफ डैश जेड की वैल्यू, एफ डैश जेड की वैल्यू कितनी है, वन बाई रूट टू, वन बाई रूट टू। प्लस जेड माइनस जेड नॉट, जेड माइनस जेड नॉट की वैल्यू कितनी है, पाई बाई फोर होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल टू। एफ डबल डैश जेड नॉट, एफ डबल डैश जेड नॉट की वैल्यू कितनी है, माइनस वन बाई रूट टू। ओके, उसके बाद हमें क्या करना है, आगे भी फर्दर लिखना है, तो उसमें क्या है कि जेड माइनस जेड नॉट, जेड नॉट कितना है, पाई बाई फोर, जेड नॉट क्यूब स्क्वायर था, जब डबल डैश है तो स्क्वायर है और फैक्टोरियल टू, जब यहाँ पे थ्री टाइम्स डिफरेंशिएशन किया है तो क्यूब होगा डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल थ्री, फैक्टोरियल थ्री। एफ ट्रिपल डैश की वैल्यू कितनी है, माइनस वन बाई रूट टू, माइनस वन बाई रूट टू। ओके, एंड सो ऑन, इसी तरीके से करते जाएंगे। तो उसमें क्वेश्चंस में गिवन होगा कि आप कितने पॉइंट्स तक आपको मतलब करना है डिफरेंशिएशन, डबल डिफरेंशिएशन या ट्रिपल डिफरेंशिएशन या कितने तक करना है, वो वहाँ पे गिवन होगा। इसके अलावा गेट ईएस में तो क्वेश्चंस जब दिए होंगे, उसके बाद ऑप्शन में इस तरीके से सीरीज बनी होगी, कुछ चेंजेस बीच बीच में होंगे, चार ऑप्शन के अलग अलग होंगे सारे चेंजेस। तो जब हम एक दो पॉइंट्स जैसे ही निकालेंगे तो हमें वो सीरीज दिखनी शुरू हो जाएगी, तो उससे हमें पता चल जाएगा कि हमारा कौन सा ऑप्शन सही है। ओके, तो इसमें क्या है, सिर्फ हमें ये जो एफ जेड ये सीरीज दे रखी है वो हमें याद रहनी चाहिए, एफ जेड नॉट प्लस जेड माइनस जेड नॉट, एफ डैश जेड नॉट प्लस जेड माइनस जेड नॉट स्क्वायर बाई फैक्टोरियल टू, एफ डबल डैश जेड नॉट। इसी तरीके से जितना डिफरेंशिएशन उतना पावर डिवाइडेड बाई उतनी फैक्टोरियल। ओके, जेड नॉट क्या है, जेड नॉट जो पॉइंट यहाँ गिवन है ये जेड नॉट है। ओके, जेड को एज इट इज़ लिखेंगे, सिर्फ जेड नॉट जो पॉइंट दिया होगा वो पुट करते जाएंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, जो एफ जेड दिया होगा वो लिखेंगे, उसके बाद डिफरेंशिएशन करेंगे, फिर उसका डिफरेंशिएशन, फिर उसका डिफरेंशिएशन। ये करने के बाद में जो भी पॉइंट दिया होगा उस पॉइंट को इन सारी जगहों पे पुट करते जाएंगे। तो इन सारी जगहों पे पुट करने के बाद हमें ये सारी वैल्यू मिलती जाएंगी, एफ जेड नॉट, एफ डैश जेड नॉट, एफ डबल डैश, एफ ट्रिपल डैश, ऐसे से मिलती जाएंगी। ओके,
ये वैल्यू हमें मिल गई हैं, जेड नॉट पॉइंट हमें पता है, बस डायरेक्ट उसको उठाकर पुट करना है। एफ जेड दे रखा है साइन जेड, उसके बाद एफ जेड नॉट, ये थोड़ा कन्फ्यूज़न होता है कई बार, एफ जेड नॉट कई बार लोग इसी को उठाकर वापस यहीं पुट कर देते हैं। तो एफ जेड नॉट की जगह क्या करेंगे, जो एफ जेड इक्वल टू साइन जेड आया है उसमें जब ये पॉइंट को पुट करेंगे तो पॉइंट पुट करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो एफ जेड नॉट होती है। जो एफ जेड हमारा दिया हुआ है एफ जेड इक्वल टू साइन जेड, उसमें जब ये वैल्यू हम पुट करेंगे पाई बाई फोर तो वो बनेगी एफ जेड नॉट, तो ये हमारा आएगा एफ जेड नॉट। उसके बाद जेड माइनस जेड नॉट पाई बाई फोर और एफ डैश जेड, एफ डैश जेड की वैल्यू हमने यहाँ रख दी। उसी तरीके से ये वाला हमने वैल्यू पुट की, उसके बाद एफ डैश जेड की वैल्यू यहाँ पे माइनस वन बाई रूट टू रखी। इसी तरीके से क्यूब के लिए, इसी तरीके से सोन आगे भी सीरीज कर सकते हैं। ओके, तो ये बेसिकली बस टेलर सीरीज़ के हमें ये इसके एक्सप्रेशन सिर्फ याद होने चाहिए, और क्या इस कहाँ पे जेड नॉट क्या है और एफ डैश जेड एफ डबल डैश जेड या ये सारी चीज़ें हमें किस तरीके से यूज़ करनी है वो हमें बस पता होनी चाहिए। ओके, तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।